नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार कलसी फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने कलसी एसोसिएट्स और यूट्यूब चैनल वी मेक होम में। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके सामने फ्लैट्स लेके आया हूं, ये काफ़ी स्पेशियस रहेगा क्योंकि इसमें 130 स्क्वायर यार्ड सुपर एरिया में हमने 3 BHK निकाला है, जिसके कारण जो रूम साइज़ निकलते हैं काफ़ी स्पेशियस इसमें रूम साइज़ निकलेंगे और ड्राइंग रूम भी काफ़ी अच्छा निकलेगा। तो फ्रेंड्स, प्लॉट एरिया हमारा 200 स्क्वायर यार्ड का रहेगा, 30x60 फीट्स इसकी डायमेंशन रहेगी। इसको हमने 2 यूनिट में बनाया गया है। फ्रंट साइड में हमारा 130 स्क्वायर यार्ड सुपर एरिया, 120 स्क्वायर यार्ड हमारा ऑन पेपर रहेगा और इसकी बैक साइड में जो रहेगा हमारा 80 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर और 85 स्क्वायर यार्ड हमारा सुपर एरिया रहेगा। फ्रेंड्स, 3 BHK के कारण काफ़ी अच्छा स्पेस निकला है, इसमें रूम साइज़ काफ़ी अच्छे निकले हैं। लिफ्ट के साथ ये हमारी प्रॉपर्टी रहेगी और नीचे हम कार पार्किंग आपको दे रहे हैं। फ्रंट जो हमारी रोड्स रहेगी 30 फीट वाइड रोड रहेगी और जो गली भी रहेगी हमारी वो गेटेड रहेगी। और सबसे एक अच्छी बात है, जो कनेक्टिविटी हमारी काफ़ी इजी रहेगी, हमारा जो रोड्स से आपका डायरेक्ट ये आपकी कनेक्टिविटी इसकी रहेगी। जैसे ही अपने फ्लैट से हम बाहर निकलेंगे तो राइट लेते ही हमारी मेन नजफगढ़ रोड आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल एरिया रहेगा, इजी आपको मार्केट, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, स्कूल्स मिल जाएंगे। फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो आपको सीवरेज मिल जाता है, आपको दिल्ली जल बोर्ड मिलेगा, इसमें BSES मीटर, आपकी IGL की गैस पाइपलाइन सभी आपको मिल जाएंगे और इसमें हम आपको लोन भी प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने फ्लैट्स की तरफ। ये हमारी स्टेयर्स रहेगी और इस तरफ हमारी लिफ्ट रहेगी। एंट्री करते ही हमारी ये MCB बॉक्स, आपका बेल सेक्शन, डोर्स आपकी 8 फीट हाइट के रहेंगे। और जैसे ही मैं एंट्री करूँगा और अपने ड्राइंग रूम में एंट्री करूँगा और एक बार पूरा कवर करके दिखाएं, ड्राइंग रूम साइज़ हमारा 14x18 का ड्राइंग रूम साइज़ रहेगा, आप देख सकते हैं। और पूरा ड्राइंग रूम का व्यू भी एक बार पूरा लें। आपकी ऑफ वाइट कलर की आपकी वॉल्स रहेंगी, डिज़ाइनिंग वॉल्स रहेंगी, फॉल सीलिंग लाइट्स, आपका फैंस, झूमर। और अगर मैं ये अपने ड्राइंग रूम में खड़ा हूँ तो मैं इसमें आपको मैप समझा देता हूँ। फ्रंट साइड जो नॉर्थ फेसिंग रहेगा हमारा 30 फीट वाइड इसका फ्लैट का रहेगा और इसमें हमारे 2 बेडरूम सामने की तरफ रहेंगे, एक हमारा किचन रहेगा और लेफ्ट साइड में हमारा 1 बेडरूम रहेगा प्लस आपका एक वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम रहेगा। तो फ्रेंड्स, 1x1 करके अब चलते हैं अपने फ्लैट्स की तरफ। और पहले आप देख लीजिए, अगर ये स्पेस आप देखिए, काफ़ी बड़ा स्पेस आपको मिल जाता है, इजी बड़े से बड़ा आपका सोफ़ा प्लेस हो जाएगा। और इस तरफ जो स्पेस बचता है आपका, आपका डाइनिंग भी इसमें इजी लग सकता है। और सामने LED आप देख सकते हैं, LED पैनल। और अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। किचन में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है और किचन का स्पेस देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, 8x12 का ये किचन रहेगा। और इसमें देख सकते हैं आपका चैनल्स, प्रॉपर मॉड्यूलर किचन आपकी रहेगी, चैनल्स काफ़ी बकेट्स दी गई हैं जिसमें आप इजी अपना सामान रख सकते हैं। ग्रेनाइट पत्थर आपका सेल्फ में रहेगा, ऊपर की तरफ कवर्ड्स रहेंगे, आपका हिंदवेयर की आपकी चिमनी रहेगी, आपका वेंटिलेशन के लिए बाहर की तरफ वेंटिलेशन दी गई है, आपकी लाइट्स दी गई हैं, LED लाइट्स और फॉल सीलिंग। फ्रिज का एरिया हमारा इस तरफ रहेगा, प्रॉपर बॉटम टू रूफ आपकी टाइल्स दी गई हैं और विट्रीफाइड आपकी टाइल्स नीचे लगाई गई है। अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम हमारा तेरह बाई ग्यारह का हमारा बेडरूम रहेगा, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बेडरूम। और इस तरफ हमारी कवर्ड्स रहेंगी, काफ़ी स्पेशियस। ये हमारी विंडो, आपका विंडो AC के लिए, आपका पावर का स्विच,
आपका बेड इस तरफ आएगा तो सामने की तरफ एलईडी पैनल, अगेन आपका फॉल सीलिंग, आपका फैंस, आपके पावर के पॉइंट आपका ध्यान रखते हुए काफ़ी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ पावर पॉइंट्स। अगर आप बेड इस तरफ लगाते हैं तो दोनों तरफ चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, और यहीं आपका फैंस का भी कंट्रोल यहीं से दिया गया है। दो बेडरूम के साथ अटैच बैल्कनी रहेगी। आपका 20 फीट बाई 3.5 फीट की आपकी बैल्कनी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी। आपका वॉशिंग एरिया के लिए टैब्स, आपको पावर्स का पॉइंट मिल जाता है। फ्रंट की तरफ प्रॉपर टाइल्स वर्क किया गया है। यहीं से अपना सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं, और सेकंड बेडरूम का साइज़ आपका 10x14 का रहेगा, काफ़ी स्पेशियस साइज़। इस तरफ आपका वर्क करने के लिए आपका टेबल्स दे दिया गया है, आप अपना वर्क इसमें कर सकते हैं, आपका लैपटॉप इजी आप लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ रैक्स, फॉल सीलिंग दिखा सकते हैं काफ़ी अच्छी। इस तरफ आप कुछ भी अपना डेकोरेटिव रख सकते हैं, और अगेन आपको एक अलमीरा। सामने की तरफ एलईडी पैनल, उसमें भी आपका स्पेस काफ़ी है जिसमें आप इजी अपना सामान रख सकते हैं। डोर जो रहेंगे दोनों तरफ हमारा माइका रहेगा। मास्टर बेडरूम के साथ हमारा अटैच वॉशरूम, बॉटम टू रूफ ऑल टाइल्स, आपका वॉश बेसिन, आपका शॉवर, आपकी टैब्स हॉट एंड कोल्ड वाटर की, ऑटो मिक्सचर, आपकी सीट्स और शॉफ्ट, वेंटिलेशन के लिए आपकी शॉफ्ट, गीजर के पॉइंट्स और पावर के पॉइंट्स। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। उससे पहले मैं आपको कॉमन वॉशरूम दिखा देता हूँ। हमारा कॉमन वॉशरूम, बॉटम टू रूफ टाइल्स, आपका वॉश बेसिन, सीट्स, आपका गीजर पॉइंट्स, शॉफ्ट, आपका शावर, ऑटो मिक्सर, आपकी टैप्स। और ये हमारा थर्ड बेडरूम, और थर्ड बेडरूम का साइज़ भी आपका 10x12 का रहेगा। कोई भी जो हमारे सभी बेडरूम काफ़ी अच्छे साइज़ के रहेंगे, और अगेन आप देख सकते हैं इस तरफ भी आप अपना डेकोरेटिव कुछ भी रख सकते हैं, वॉलपेपर रहेगा, और अगेन आपका फॉल सीलिंग, आपका फैंस, अगेन आपकी अलमीरा, ड्रॉर्स इसमें मिल जाएंगे आपको, नीचे भी मिल जाएगा। स्प्लिट एसी की फिटिंग के लिए आपको वायरिंग फिट स्प्लिट एसी की। इस तरफ आपका एलईडी पैनल प्लस आपका ड्रेसिंग टेबल, इस तरफ मिरर लगाकर आपका ड्रेसिंग टेबल दे दिया गया है। अगेन आपका शॉफ्ट वेंटिलेशन के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारा 3 BHK 130 स्क्वायर यार्ड में सुपर एरिया में 3 BHK काफ़ी स्पेशियस, जिसके रूम साइज़ काफ़ी अच्छे साइज़ हैं, और इसमें ड्राइंग रूम साइज़ भी 18x14 का, जो काफ़ी स्पेशियस साइज़ रहता है, ये आपको मिल जाता है। फ्रेंड्स, नियर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास, उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली में ये हमारा फ्लैट्स रेडी है। आप इसमें विज़िट कर सकते हैं, आप आइए विज़िट कीजिए। फर्दर इंक्वायरी के लिए आप कॉल कीजिए, स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इसके प्राइस की बात करूं तो 70 लाख रुपीज़ इसका डिमांड रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।